वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ की चीन यात्रा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ ए चीनी अमनसब ली चियांग विच में वफदन की सतह से मुलाकात। बिन्ही मुल्कन विच में सेहत, समाजी मुआशी तरक्की, टीवी, फिल्म, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनत ए ज़राअत समेत मुख्तलिफ़ शोबन में 23 मुफाहमती यादाश्त नामन ते सहियूं कयूं वयूं। बिन्ही मुल्कन तरफ़ा सी पैक के आला मयार की तरक्की लाए तोड़े सी पैक के मुखालफन खिलाफ़ पुख्ते अज़्म जो इज़हार। बिन्ही मुल्कन जो गवादर के खिते जो इक़्तिसादी मरकज़ बनाने ते इत्तेफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ चीनी शहरों और मनसूबों की हिफाज़त यकीनी बनाने जो अज़्म वरजाईंदे चवाए तो पाकिस्तान सी पैक के मनसूबन में भरपूर फायदो वठी रो है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग पाक चीन दोस्ती के बेमिसाल करार दींदे चवाए तो असानी दोस्ती आजमाइश के हर घड़ी में पूरी लथी है। असा पाकिस्तान से मजबूत इक़्तिसादी भाईवारी चाहूँ था। बीजिंग में ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स पहुंचने चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी पारा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ के गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ चीनी अमनसब ली चियांग से अपने वफद जो तारफ़ कराया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी गार्ड ऑफ ऑनर वाली तकरीब में मौजूद रहो। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन एमक्यूएम के आईनो दिखारे छो। संदस चवण है सभी के खबर है कराची में टारगेट किलिंग भत्तेखोरी केर कंदो हो। बोरी में बंद लाश मिलंदा हुआ। एमक्यूएम की सियासत मैंडेट कंखा लिकल ना है। लंडन में कॉल अचणते कराची में बाह भरी वी हुई। पूरा शहर बंद थी वो जै सबब अरबे रुपये जो नुकसान भी हो। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन एमक्यूएम हैदराबाद में सिलेंडर धमाके वे वाक्य भी सियासत कई। एमक्यूएम अगवान चिड़जारींदड़ बयान दई बे ढीह माफियों वा हैरत है जो उ मानू वरी अमन की गाल कन था। गैर कानूनी परडेन समेत केतर चैलेंजेस बावजूद कराची अंदर डोहन में घटताई थी रही है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो एक मरहलो मुकम्मल थी चुको है। संद असेंबली के अजलास में घरू खाते के सवाल जवाब के वक्फे दौरान एमक्यूएम मेंबर जो गोड़ ऐवान मवाकाओ। कराची शहर में अमन अमान असा के लिए अहम मसलो है। पढ़ियल लिखल नौजवान के जानवर जो मारो पे वे। एमक्यूएम मेंबर जो एहतजाज सवाल पुछो माहौल खराब न कर यह रवायत कायम न करो जो माजी में हुई। स्पीकर की रूलिंग घरू वजीर जियाउल हसन लंजार है जै सिंध पुलिस की कारकर्दगी से सवाल उथारियों था उन केतर ही बेगुनाह मानून के कत्ल में मुलविस सोलत मिर्जा के गिरफ्तार किया। अजमल पहाड़ी के भी गिरफ्तार किया। रहमान डकैत कराची के शहर जो कतिल हो खेस सिंध पुलिस मारो। उजैर बलोच से केस आन वो जेल में है। अवं के सिंध पुलिस जो खिदमतों घुर्जन तो असं हाजिर आयो। असेंबली इजलास सूमर तीन मुलतवी। आईएमएफ पारा पाकिस्तान का इंदड़ माली साल जो टैक्स अदफ 12,900 अरब रुपया मुकर्रर करने जो मुतालबो। अदफ हासिल करने ला हर किस्म की टैक्स छूट खत्म करने जो भी फैसलो। जरियन मूजिब आईएमएफ इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराइंदड़न जो अंग 30 लख में वधाए 60 लख करण व्यापारियों के हर सूरत में टैक्स नेट में आन जो मुतालबो कयो आहे। पाकिस्तान गडियल कौम की सलामती काउंसिल में पांजो भरपूर किरदार अदा कंदो। सलामती काउंसिल में गैर मुस्तकिल मेंबरशिप के लिए 182 मुल्क पाकिस्तान की हिमायत कई। पाकिस्तान आलमी खुशहाली के लिए पांजो किरदार अदा कंदो रहंदो। पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी सफारती हिमायत जारी रखंदो। परदेही खाते की तर्जमान मुमताज़ ज़ोरा बलोच की हफ्तेवार ब्रीफिंग। संदस चवण है पाकिस्तान चीन बशाम दहशतगर्दी वे वाक़े के राबते में आन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में चीनी शहरों की सिक्योरिटी के यकीनी बनाने की खातरी कराई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ के दौरे दौरान पाकिस्तान चीन विच में व्यापार सनत बेन शोबन में 23 एमओयूज़ से सहियूं थन। यो भारतीय अवाम जो हक है तो हू पांजी कयादत की चूंड कन। असा भारत में चूंड अमल ते रद्द अमल या राय न दींदा। सिंध में 3 साल दौरान इज्तिमाई ज्यादती एजेंसी हिसाइण वारन वाक्य जा हैरान कदड़ अंग अखर सामू अची वाया। घरू वजीर पारा लिखत में रिपोर्ट पेश। घरू वजीर जियाउल हसन लंजार बुधायो तो सिंध में 3 साल दौरान गड़ियल तौर से 2,284 गैंग रेप हिसाइण जहा वाक पेश आया। कराची डिवीजन में 2019 का 2022 तीन 1,303 गैंग रेप ज्यादती जहा केस रिपोर्ट थे। हैदराबाद डिवीजन में 3 साल दौरान 523 गैंग रेप ज्यादती जहा केस रिपोर्ट थे। सिंध हुकूमत अवाम के सस्ती बिजली फराहम करने लाए नेपरा की भेट में सेपरा कायम कई है। 600 मेगावाट ट्रांसमिशन लाइन विछाने के लिए कंपनियों से मुआदो किया वो। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह जो एसटीडीसी बोर्ड के इजलास के खिताब। संदस चवण है कारकर्दगी के बेहतर करण की जरूरत है। सुठी कारकर्दगी ॾेखारींदड़ ऑफिसर मुलाजमन के अवार्ड इनाम से नवाजो वो। इजलास में गो एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से एमओयूज़ से सहयू पिण।
सिंध हाई कोर्ट गोठन के पको करण जहा हुकुम जारी कर छा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अदालती हुकूमत से समूर डीसीज के गोठन के सनदू दियण जो कम तेज करण के लिए खत लिखी छो। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डायरेक्टर गोठ आबाद अदालती हुकूमत समूर डीसीज के खत लिखो है। खत के मतन में चयो है डीसीज पांजन जिले अंदर मंजूर थियल तोड़े अण मंजूर थियल गोठन जा तफसील 15 दिन में जमा कराइन। गोठन जा नाला एराजी जमीन की सरकारी या गैर सरकारी मालिकी गोठन की आबादी का तफसील भी जमा कराया वन। जुलहज जो चंड नजर अची वो मुल्क में दिल अजहा 17 जून से मल्हाई वेंदी। मरकजी चंड ऋणी कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर ऐलान कर छो। संदस चवण है मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में चंड नजर अचण जो शायद मिली। ईद अल अजहा 17 जून सूमर दिहाड़े मल्हाई वेंदी।